और अब बात कर लेते हैं योगेश्वर दत्त की। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में योगेश्वर ने इस बार 10 से अधिक पदक जीतने की बात कही। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट पेरिस गेम्स आप देख रहे हैं, ओलंपिक का है, भारतीय रेसलर तैयार है, आपको लगता है कि वो इस वक्त पीक फॉर्म में है? देखिए, 6 पहलवान हमारे अभी पेरिस में जाएंगे, जिसमें 5 लड़कियां हैं और एक पुरुष पहलवान है। तो लगातार 4 ओलंपिक से मेडल कुश्ती से हमें मिले हैं और पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक से 1952 में केडी जादव जी का आया है। ओकी के बाद सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में हमें मिले हैं। तो इस बार हमारे 6 पहलवान, मेरा जहाँ तक मानना है कि बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और अनुभव भी हैं, नए भी हैं। इस वक्त आपको लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनमें इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मैटर करता है ओलंपिक्स ऐसे गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी? देखिए, बहुत ज़्यादा है और भारत सरकार ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो चाहे टॉप्स हो, टॉप्स में हो या उससे अलग भी बहुत बच्चे हों, एक बच्चे पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया सालाना। काफ़ी अच्छा, सभी खिलाड़ियों में काफ़ी हमारे दमखम है और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दी है। सही बात बैडमिंटन की हो, बात वो शूटिंग की हो, रेसलिंग की हो, बॉक्सिंग की हो, तो पिछली बार जैसे 7 मेडल हमारे आए थे, तो इस बार जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड था, तो इस बार नीरज चोपड़ा से पूरे देशवासियों को गोल्ड की उम्मीद है। और उसके बाद जो बीच में वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, वर्ल्ड में सिल्वर मेडल भी आया है, तो उनकी नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस दो टोक्यो के बाद रही है वो बड़ी लाजवाब रही है। हम चाहते हैं कि वो ही उनकी परफॉर्मेंस रही। ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपको कितना लगता है कि कितना एक्सपेक्टेड है इस बार मेडल, क्योंकि 7 पिछले बार था, इस बार आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि 10 से ज़्यादा आने चाहिए, 10 से ज़्यादा आने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो खिलाड़ी हैं जिनको भारत सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, आप उनको उसके कैसे देखते हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। खिलाड़ी, अगर आज खिलाड़ी कोई डिमांड है, आज मिनिस्ट्री से अप्रूवल मांगता है तो वो कल ही मीटिंग होगी, रात आज का जो, तो आज ही मीटिंग होगी या कल मीटिंग होगी, उसको अप्रूवल दी जाती है। बात फिजियो की हो, डॉक्टर की हो, कोच की हो, विदेश में ट्रेनिंग करने की हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो खिलाड़ी से पर्सनली बात करते हैं, मिलते हैं, टूर्नामेंट कंपटीशन में जाने से पहले भी, उसमें आने के बाद भी, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ बड़े मायने रखती है, खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए, अच्छा उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे खास बात यही है, क्योंकि मेहनत तो पहले भी हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा करते थे, पर एक दिशा नहीं मिल पाई थी, एक मन में एक जीतने का जज्बा नहीं हो पाया था। आज हमारे खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए जाते हैं। तो योगेश्वर दत्त बता रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा जो देश है इन रेसलर से उम्मीद लगा के, और ये मानते हैं कि कम से कम रेसलर्स जो है 2 मेडल तो लेके आएंगे और ओवरऑल शायद भारत को 10 मेडल मिलने की उम्मीद है। कैंपस में सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।